वेलकम टू हैदराबादी फूड अप। आज मैं आपको बता रही हूँ सर्दियों की हैदराबादी स्पेशल डिश पाया नहारी की रेसिपी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पाए ले लिए हैं मैंने, 6 पाए हैं और इसे हमने पीसेस करा लिए हैं और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। पायों को हमें पहले अच्छे से गलाना है, तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, थोड़े से बेसिक मसाले ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, पिंच। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे रेड चिली पाउडर 3/4 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, पायों का तेल बहुत छूटता है। हरी मिर्च ऐड करेंगे 5 और इसमें डालेंगे हम 1 ग्लास पानी। चलिए इसे मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें सिरे का गोश्त ऐड कर रहे हैं, तो मैं उसको अलग से गलाऊंगी, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें या फिर सिर्फ पाए की नहारी भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगती है। चलिए इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक 5 विसल आने तक हम पकाएंगे। बीच में आप चेक कर लें, 3 विसल के बाद अगर गल गए हैं तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए हीट गैस पर रख दिया है मैंने कुकर, और हम इसे 5 से 6 विसल आने तक, जब तक कि पाए टेंडर ना हो जाए, कुक करेंगे। चलिए पाए अच्छे से गल चुके हैं। नहारी के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है नहारी का पोटली मसाला, तो आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसे किसी बर्तन में डालें और साथ ही 2 से 2 ग्लास पानी ऐड करें और इसे बॉईल करें और फिर पानी को छान लें, आप इस तरह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ये सैशे आप अलग रख लें, या आप इसमें से कुछ क्वान्टिटी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सारा मसाला किसी मसलिन क्लॉथ में ऐड कर दें। इसमें होती है कश्कड़ी, धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ों का पोटली मसाला बनता है। चलिए इसे हम पोटली की तरह रैप कर लेते हैं और अच्छे से टाई कर लेंगे। इतना आप टाइट करें कि मसाला बाहर ना आने पाए। चलिए मैं इसे तागे से अच्छे से नॉट बांधूंगी ताकि हमारा पोटली मसाला अच्छे से फिक्स हो जाए। ये हमारी पोटली देखिए, तरह से नॉट डाल लिया है मैंने और अब हम स्टार्ट करेंगे नहारी बनाना। नहारी की थिकनेस बढ़ाने के लिए जो ऐड होता है वो मैंने यहाँ पर लिया है जवारी जौ का आटा, इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, ये 4 टीस्पून है और इसे मैंने पानी से भिगा लिया है। अगर आपके पास आटा मौजूद नहीं है तो आप खुले चने की दाल को रोस्ट करें और उसे पीस लें और फिर उसे भी पानी से इस तरह से भिगा लें। चलिए पॉट रख दिया है मैंने, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 1/2 कप के करीब, ये फ्राइड अनियन जो मैंने की थी नहारी के लिए उसी का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हम तेज़पत्ता, फ्राइड अनियन मैंने पहले से करके रख ली है, आप इसे इस तरह से क्रश कर लें, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे, तो आप 3 मीडियम साइज़ के अनियन को ब्राउन कर लें। देखिए अप्रॉक्सीमेट 2 अनियन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया ब्राउन फ्रिश। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, क्योंकि मैंने पाए के साथ सिरे का गोश्त भी ऐड किया है तो क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। हमने पायों को गलाने में भी अदरक लहसुन ऐड किया था, इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च ऐड करेंगे 2 टीस्पून के करीब और फिर तेज़पत्ता ऐड करेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे हम सॉल्ट 1/2 टीस्पून और इसे मिक्स करें। चलिए अब इसमें ऐड करेंगे हम पाए,
मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड। हमने ऐड कर दिया है, साथ ही हम इसमें डालेंगे हमारी पोटली ताकि सारा फ्लेवर पोटली का इसमें आ जाए। चलिए पोटली भी हमने ऐड कर दी है, पानी भी हमने 4.5 ग्लास ऐड किया है और इसे हम 5 to 7 मिनट्स के लिए अच्छे से पकने देंगे ताकि शोरबे में अच्छा सा पायों का फ्लेवर आ जाए। 7 मिनट हो गए हैं, अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है। अब हम पोटली को निकाल लेंगे, अच्छा सा इसे प्रेस करेंगे ताकि इसका सारा एरोमा इसमें आ जाए। और फाइनली हम इसमें ऐड करेंगे 4 टीस्पून ज्वारी का आटा जो मैंने मिक्स करके रखा है, और इसे हाई फ्लेम पे बस 2 मिनट के लिए पकाएं। नमक और मिर्ची आप टेस्ट कर ले, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम स्पाइस मिक्स 1/4 टीस्पून के करीब। ज्यादा गाढ़ी नहीं होती है नहारी, ना ही ज्यादा पतली होती है, तो 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करूंगी मैं सारे 1/4 टीस्पून थोड़ा फ्लेवर के लिए, ताकि हमने सारी पोटली का मसाला निकाल लिया है। देखिए चीज की कंसिस्टेंसी सेट हो गई है, अब इसे हम लो फ्लेम पर करेंगे। फाइनली इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई कोथमीर, अब इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर इसे डिश आउट करते वक्त आप फ्राइड अनियन जरूर ऐड करें। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी फाइनल डिश, एकदम ऑथेंटिक हैदराबादी स्टाइल पाए नहारी, बहुत ही मज़ेदार और सर्दी में बहुत अच्छी लगती है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करें हमारी ये पाए नहारी की रेसिपी। सब्सक्राइब करिए हैदराबादी फूड ऐप को। थैंक यू एवरीवन।